इस हफ्ते बिग बॉस के घर से बेघर होने के लिए कौन कौन नॉमिनेटेड है ये बात तो आप जानते हैं। कल के नॉमिनेशन टास्क में एक बात तो क्लियर हो गई कि घर में अब सभी लोगों ने गेम खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि कई सारे लोग अपने दोस्तों को बचा सकते थे लेकिन दोस्तों को नहीं बचाया, गेम पलट दिया। यू नो, शिव ने प्रियंका को बचाया, निमृत ने शालीन को बचाया जबकि सुंबल से वो ज्यादा अग्री करती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर वोटिंग ट्रेंड में जो बिग बॉस नहीं सोच रहे हैं वो हो रहा है। जी हाँ, वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बिग बॉस का हमेशा से ये रहा है कि बिग बॉस अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन आप और हम अच्छे से जानते हैं कि कौन वोट आउट होना डिजर्व करता है और कौन वोट आउट होना डिजर्व नहीं करता है। ऐसे में सबसे पहले तो अर्चना गौतम, एमसी स्टैन, अंकित, सुंबुल और सौंदर्य, ये पांचों लोग नॉमिनेटेड हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जाने के चांसेस अगर किसी के हैं तो स्टैन और सुंबुल के हैं, लेकिन फैंडम अगर सबसे ज्यादा इन पांचों में अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैंडम किसी की है तो वो भी इन्हीं दोनों की है। तो ये तो बिग बॉस के लिए भी बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई कि ये बिग बॉस कैसे पॉसिबल करवाएंगे, कैसे मुमकिन है, बिग बॉस कैसे ये कर सकते हैं कि एमसी स्टैन, सुंबुल, अंकित, अर्चना और सौंदर्य में से जो दो सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट हैं बाहर, जिनको सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, फैंडम्स जिनकी बहुत स्ट्रांग है, एमसी स्टैन और सुंबुल, इनको कैसे निकाला जाए। ऐसे में मेरे सामने वोटिंग ट्रेंड्स आ गए हैं। जी हाँ, किसको कितने परसेंट वोट्स मिल रहे हैं चलिए आपको बताते हैं। अर्चना गौतम को मिले हैं 7.70% वोट्स, यानी कि 308 वोट्स, विच इज शॉकिंग, क्योंकि अर्चना अगर निकल गई तो एक्चुअली शो जो है वो इट विल फॉल फ्लैट। सुंबुल को मिल रहे हैं वेरी शॉकिंग 8.45% वोट्स, जी हाँ 338 वोट्स मिले हैं सुंबुल को। अंकित को मिल रहे हैं 21.19% वोट्स, यानी 848। अर्चना और सुंबुल के बीच में सौंदर्य आती हैं, उनको मिल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली एक 7 के आसपास वोट्स, 7.5-8 के आसपास, है ना। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा अंकित गुप्ता को मिल रहे हैं 21.19% वोट्स विद 848 वोटिंग कैटेगरीज वोट्स, एक्चुअल वोट सॉरी। एंड एमसी स्टैंड को आधे से ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, जी हाँ, यानी कि 55.52% वोट्स एमसी स्टैंड को अकेले को मिल रहे हैं, यानी कि तकरीबन 2222। ये बड़ा ही शॉकिंग वोटिंग ट्रेंड है मेरे हिसाब से, बिकॉज एमसी स्टैंड को अब घर चले जाना चाहिए। देखिए, बात ये नहीं है कि वो अच्छे या बुरे हैं, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे रैपर हैं, बहुत अच्छे मे बी पर्सनैलिटी हैं, सोल हैं, लेकिन वो बिग बॉस के घर में कुछ नहीं कर रहे हैं और इसीलिए वो खुद भी जाना चाहते हैं और उन्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में वही लोग टिकने चाहिए जैसे अर्चना हो गई या गौतम हो गए, जो डाई हार्ड तरीके से चाहते हैं गेम जीतना। एमसी स्टैन ऑन द अदर हैंड, वो उनका इंडिविजुअल पर्सनालिटी बहुत कम बाहर नजर आता है, उनका इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है वो साजिद और शिव के पीछे जाकर कहीं ना कहीं छुप गया है, जैसे कि गोरी का हुआ था बहुत एक लंबे समय तक। सो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पर? और स्टैन को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोट्स मिले हैं, सबसे कम मिल रहे हैं अर्चना को, लेकिन आई कैन बेट ऑन दैट कि अर्चना नहीं निकलेगी। इस पर आपको क्या है कहना, बताइए। का